नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। वैसे तो टोबैको किसी भी दिन लेना नहीं चाहिए, चाहे आप स्मोक करते हो, चाहे आप पान पराग या पान मसाला खाते हो। इंडिया में स्मोकलेस टोबैको जो है, जो च्यूएबल टोबैको कहते हैं, उसको आप पीस पीस के खैनी या गुटखा या डिफरेंट चीज़ों के रूप में लेते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स, सबको बताते हैं कि आपकी जुबा केसरी हो जाएगी। वैसे केसरी हो ना हो, कैंसरस जरूर हो जाएगी। स्मोकलेस टोबैको जो है ओरल कैंसर कॉज करता है। इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन। और ये मत सोचेगा कि मुझे नहीं होगा, कभी ना कभी तो हो सकता है। जब नॉन स्मोकर्स को हो सकता है, तो आपको तो डेफिनेटली, अगर आप टोबैको यूज़ करेंगे तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। दूसरी चीज़, आप ये मत सोचेगा दैट यू आर स्मोकिंग अ सिगरेट। द सिगरेट इज़ एक्चुअली स्मोकिंग यू। वो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन केयर, आपकी फेफड़ों की एनर्जी, सब कुछ सक करते चली जाती है, जब तक आप अंदर से खोखले ना हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो कैंसर के अलावा आपके हार्ट पे भी असर पड़ता है, स्ट्रोक्स का रिस्क होता है, एम्फाइसीमा, COPD जैसे लंग्स की डिजीज़ होती है। और इस बार का हमारा जो मेन फोकस है, वो है बच्चों को टोबैको से बचा के रखना। स्टडीज़ कहती हैं कि 18 साल से कम अगर बच्चे स्मोक करना शुरू करते हैं, तो देर इज़ अ 95% चांस दैट दे कैन नॉट क्विट। तो अपने बच्चों को, और कहीं पर भी अगर कोई बच्चा स्मोक करता हो, तो उनको रोकिए और कोशिश करिए कि कोई बच्चा शुरू ना करे, ताकि वो अपने ज़िंदगी के कई साल जो है सिगरेट और टोबैको को ना दे। जय हिंद।